आज हम लोग क्लास 11 पाठ रैखिक असमिकाएं लीनियर इनइक्वलिटी की प्रश्नावली 6.3 करेंगे, जिसके अंतर्गत देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 1 से 15 तक निम्नलिखित असमिका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ठीक ना, आलेख खींचना है हमको, ग्राफ खींचना है, जिसके अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और दूसरी असमिका है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो पहले हम पहली असमिका को लिखेंगे, देखिए ये है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए हम करेंगे, तो ये जगह x बराबर 3 के लिए। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया x अक्ष और ये x डैश, ये हो गया y अक्ष और ये y डैश। x बराबर 3 पर है तो हम 1, 2, 3, 4, ठीक ना, 4 तक खींच लिए। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4, -1, -2, -3 और -4। x बराबर 3 का मतलब होता है, ये रहा x बराबर 3, तो x बराबर 3 का मतलब होता है कि यहाँ से हम y अक्ष के समानांतर 3 इकाई की दूरी पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक ना, तो ये हमने खींच दिया, ये खींच दिया। ठीक ना, ये हो गया x बराबर 3 पर हो गया। ठीक ना, अब देखिए इससे ये कार्तीय तल दो अर्धतलों में बट गया, दायां अर्धतल और बायां अर्धतल। अब देखिए इसमें हमको कौन सा तल होगा, तो हम इसको जांच करने के लिए 0, 0 रख लेते हैं, यहाँ पर 0, 0 रखेंगे। इसका मतलब x का मान 0 और y का मान 0, तो इस वाले असमिका के लिए y का मान 0, तो ये y का मान तो है नहीं, तो x का ही मान रखेंगे, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो 0 3 से बड़ा बोल रहा है, जो असत्य है, जो असत्य है। ठीक ना, तो असत्य हो गया मतलब हमको इस तरफ का नहीं, हमको इस तरफ का मिलेगा, ये वाला। ठीक ना, ये वाला तल हमको प्राप्त होगा। देखिए आप चाहें तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक ना, हमको एक उभयनिष्ठ क्षेत्र ही चाहिए। देखिए ये हमने खींच दिया, ये वाला तल हमको प्राप्त हुआ है। ठीक ना, y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर। अब देखिए इसमें दूसरी असमिका है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब y बराबर 2 पर, तो y बराबर 2 का मतलब देखिए ये है। ठीक ना, और x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हम यहाँ पर खींच देंगे। ठीक ना, तो ये रहा, देखिए ये क्या है, y बराबर 2 पर। अब देखिए हमको ऊपरी अर्धतल और निचला अर्धतल हमको प्राप्त हुआ, अब हमको हमारा कौन सा तल होगा, इसमें हम 0, 0 भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें x का मान तो है नहीं, y का ही मान रखेंगे, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 2 से बड़ा बोल रहा है, जो असत्य है, तो मतलब हमको इस तरफ का नहीं, हमको उस तरफ का चाहिए। तो देखिए ये रहा, ये देखिए यही रहा क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पर, तो यही है हमारा उभयनिष्ठ तल। ठीक ना, तो ये वाला तल होगा हमारा आंसर, और इसको हम पूरा हिस दे रहे हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार हमने खींचा और देखिए ये उभयनिष्ठ तल प्राप्त हुआ है। ठीक ना, आप चाहें तो ये पूरा ना खींचिए, इनको छोड़ दीजिए, बस यही भी हमको दिखा सकते हैं। ठीक है, आपके उत्तर में ये सब खींचा हुआ है इस तरह हमने, इसलिए हमको पूरा हमने हिस दिया, यार ये उभयनिष्ठ तल हुआ। ठीक ना, तो प्रश्न नंबर 1 हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 है जिसमें 3 असमिकाएं दे रखी है, ये ये और ये। तो सबसे पहले हम इस असमिका को लिखेंगे, तो लिखते हैं पहली असमिका से, पहली असमिका से, तो पहली असमिका लिख लेते हैं 3x + 2y < 12। तो इसमें भी हम इसको हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर लेते हैं। ठीक ना, बराबर कर लिया, अब एक बार x का मान रखेंगे और एक बार y का मान लिखेंगे,
जिसके संगत हमको वाई और एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स बराबर जीरो रखने पर तो ये पद जीरो हो जाएगा पूरा, तीन गुणे जीरो प्लस टू वाई बराबर बारह, तो ये जीरो खत्म हो गया, टू वाई बराबर बारह, तो वाई बराबर बारह बटे दो, दो छक्के बारह, तो वाई बराबर छ हो गया, तो ये हो गया जीरो पर छ। इसी प्रकार वाई बराबर जीरो रखने पर तो हम रखेंगे 3x प्लस टू गुणे जीरो बराबर बारह, तो ये पद जीरो हो गया, ये हो गया 3x बराबर बारह और x बराबर बारह बटे तीन, तीन चौक बारह, तो x का मान चार आया, तो x का मान चार, y का मान शून्य आया। तो इसके लिए हम ग्राफ खींच लेते हैं यहाँ पर, x अक्ष देखिए छः का मान y पर छः है, ठीक ना, तो हम y को ही छः तक ले जाएंगे, सभी को लेके जाने की जरूरत नहीं है, थ्री फोर फाइव और ये सिक्स हो गया, ठीक ना, एक दो तीन चार पाँच, और इधर लिख लेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, है ना, इतना काफ़ी है, और इधर लिखें माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वाई डैश हो गया, ठीक ना, ये वाई अक्ष हो गया। ये लिखा है जीरो सिक्स, जीरो और वाई का मान सिक्स, मतलब ये रहा आपका, ये हो गया जीरो और सिक्स पर, और ये हो गया फोर जीरो, ये रहा फोर और जीरो, ठीक ना, इसको आप स्केल से खींच कर एक सीधी रेखा खिंचाई मिलाइएगा, ये रहा, ठीक ना, बराबर भी है इसलिए रेखा भी हमारे आंसर में आएगा, इसलिए हम इसको सीधी रेखा से खींचे हैं। अब देखिए कौन सा तल, ऊपरी अर्थतल या निचला अर्थतल कौन सा होगा, तो हम इसको जांच कर लेंगे। तो जांच करने के लिए देखिए हम मूल बिंदु को ही लेंगे जीरो जीरो, इसका मतलब x बराबर जीरो और y बराबर जीरो रखेंगे हम इसमें। तो देखिए इस असमीका हमने लिख लिया 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, तीन गुणे जीरो प्लस दो गुणे जीरो, और इसको हल करेंगे तो जीरो ही आएगा। ये देखिए क्या बोला है, जीरो बारह से कम है जो सत्य है, जो सत्य है, तो सत्य है मतलब आपको ये वाला आंसर होगा, ठीक ना, तो इसको हम हिस्स लेते हैं, देखिए ये वाला हो जाएगा। तो पहली असमीका से हमको ये प्राप्त हुआ, अब देखिए दूसरी असमीका लिखा हुआ है, लिखते हैं दूसरी असमीका से, दूसरी समीका है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इसका मतलब x बराबर एक के लिए हमको खींचना होगा, तो x बराबर एक ये रहा, और यहाँ पर हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं, तो ये हो गया x बराबर एक पर, है ना, y अक्ष के समांतर एक इकाई की दूरी पर हमने एक लाइन खींच दिया। अब हम इसमें अगर जांच करें तो अगर हम जीरो जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए जीरो जीरो रखते हैं अगर जांच करने के लिए कि कौन सा तल होगा, तो x का मान ही रख सकते हैं, तो जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बोल रहा है, ठीक ना, तो इसका मतलब जीरो एक से बड़ा है बोल रहा है, ठीक ना, जो असत्य है, जो असत्य है, ठीक ना, जीरो वन से बड़ा नहीं होता है, तो हमको इस तरफ नहीं हमको उस तरफ का मिलेगा। तो देखिए हमने ये लाइन खींच दिया, ये हमने खींचा, तो देखिए इन दोनों का उभयनिष्ठ हमको ये वाला पोर्शन मिल रहा है, ठीक ना, तो दो असमीका से हमको ये उभयनिष्ठ बिंदु ये प्राप्त हुआ। देखिए यहां तक हमको दोनों मिले हैं, ठीक ना, ये मिला, ठीक, मतलब ये वाला देखिए उभयनिष्ठ मिल रहा है। अब तीसरी असमीका देख लेते हैं, तो तीनों से जो उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर होगा, तो लिखेंगे तीसरी असमीका से,
तीसरी समीकरण है वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, मतलब वाई बराबर दो, तो वाई बराबर दो क्या है ये रहा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम यक्ष अक्ष के समानांतर एक लाइन खींचते हैं, ये है वाई बराबर दो पर। अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा तल होगा, ये वाला होगा कि ये वाला तल होगा। तो जीरो जीरो ही रख लेते हैं, तो जीरो रखेंगे तो मतलब यक्ष का मान तो नहीं है, वाई का ही मान है। तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो बोल रहा है जीरो दो से बड़ा है जो असत्य है, जो असत्य है। इसका मतलब हमको ये वाला नहीं, हमको उल्टा मिलेगा, ठीक ना। हमको उस तरफ क्षेत्र नहीं मिलेगा जो हमको ये मूल बिंदु जीरो जीरो मिलेगा, तो हमको इसको ऊपर की तरफ खींचना होगा। तो ये हो गया, हमको इस तरफ खींचा हमने। तो देखिए इन तीनों का उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ प्राप्त हो रहा है, देखिए ये वाला पोर्शन है, ठीक ना, ये वाला पोर्शन जो मिल रहा है ना, देखिए ये हो गया, हमने पूरा खींच दिया। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला जो है, ठीक ना, यही हमारा उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, ठीक ना। तीनों का क्रॉस लाइन यहाँ मिला हुआ है, तो ये हमारा हल हो गया, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर दो हमने देखिए इस तरह हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर तीन देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर तीन है जिसमें दो असमीकाएँ दी हुई हैं, तो पहली असमीका को हल करेंगे। तो लिखते हैं पहली असमीका से तो पहली समीका में देखिए इसको हम बराबर करके हल करेंगे, बराबर 6। अब इसमें हम x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे, जिसके संगत हमको y और x का मान प्राप्त होगा। तो लिखते हैं हम देखिए x बराबर 0 रखने पर तो 2 गुणे 0 प्लस वाई बराबर 6, ये 0 हो जाएगा तो जाएगा y बराबर 6। इसी प्रकार y बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 6, तो हो जाएगा 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 2, 2 तिहाई 6, x बराबर 3 प्राप्त हुआ। देखिए 0 पर 6 और इस 0 पर ये 3 प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब देखिए इसको हम ग्राफ खींच लेते हैं, फिर दूसरी असमीका को भी हल करेंगे। तो ये रहा ग्राफ, ये यक्ष अक्ष, ये यक्ष डैश और वाई अक्ष कितना है 6 पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। ये हो गया 0, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये हो गया -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक ना। तो ये हो गया 0 6 0 और ये 6, ये हो गया 0 और 6 पर, और ये हो गया 3 और 0, ये हो गया 3 और 0 पर। तो इसको मिला लेते हैं, ये मिला लिया और इसका समीकरण लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6। अब देखिए इसमें जांच करेंगे कौन सा तल हमको प्राप्त होना है, तो हम यहाँ पर 0 0 ही रख लेते हैं, जांच कर रहे हैं। तो 0 0 मूल बिंदु ही रखते हैं, x बराबर 0 y बराबर 0 पर। तो रखिए 2 गुणे 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देखिए 0 6 से बड़ा है बोल रहा है, जो असत्य है, जो असत्य है। तो हमको इस तरफ नहीं मिलेगा, हमको उस तरफ का मिलेगा। तो इसको हम इस प्रकार खींच दे रहे हैं, ये हो गया हमारा ऊपरी अर्धतल प्राप्त हुआ इससे। दूसरी असमीका लेंगे, दूसरी असमीका से, दूसरी असमीका है 3x प्लस 4y
ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 12। तो हम इसको भी बना लेते हैं, एक्स और वाई का मान रखेंगे जिसके संगत वाई और एक्स का मान प्राप्त होगा। देखिये एक्स बराबर जीरो रखने पर, ये जीरो रखने पर तो लिखेंगे 3 × 0 प्लस 4y बराबर करके हल करेंगे इसको, ठीक ना, बराबर 12। देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 12/4, 4 × 3 = 12, y बराबर 3, तो ये जीरो पर ये 3 आ गया। इसी प्रकार y बराबर जीरो रखने पर कर लेते हैं 3x प्लस 4 × 0 बराबर 12, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12, x बराबर 12/3, 3 × 12, x बराबर 4, तो 4 आ गया जीरो पर। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, x का मान 0 और 3 ये रहा, ये हो गया 0 और 3, और ये रहा 4 0, ये रहा 4 और ये रहा 0, हो गया 4 और ये 0 पर, ठीक ना, ये खींच लिया हमने ऐसे, ठीक ना। और इसका समीकरण लिख देते हैं यहाँ पर, ये जाएगा 3x प्लस 4y बराबर ये 12 है। अब देखते हैं कौन सा तल ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला तल होगा, तो जांच कर लेते हैं, यहाँ पर 0 0 रख के देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं कौन सा तल होगा, 3 × 0 प्लस 4 × 0 लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12, 0 छोटा है 12 से जो सत्य है, इस प्रकार हमको इस तरफ आएगा, ठीक ना, लिख लेंगे जो सत्य है, तो हमको इस प्रकार ऐसे मिलेगा, जो इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला हमारा उभयनिष्ठ ये मिलना शुरू हो गया, ये देखिए, ठीक ना, तो ये वाला उभयनिष्ठ बिंदु हुआ, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखिए प्रश्न नंबर 3 हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, इसमें भी दो असमिका है, तो इसको हल करते हैं। देखेंगे पहली असमिका से तो x प्लस वाई बराबर 4 है ना, तो जब हम x का मान रखेंगे, देखिए इस पर ये x का मान और y का मान, जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम ग्राफ पर दिखा लेते हैं, x अक्ष है ना, ये रखा 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 वाई अक्ष, ठीक ना, इधर कर लेते हैं −1 −2 −3 −4 −1 −2 −3 −4 वाई डैश और ये एक्स डैश, ठीक ना। तो ये गया 0 4, ये रहा 0 4, 4 0 है, एक्स का मान 4 है, वाई का मान 0 है, और ये है 0 4, ठीक ना, इनको मिला लेते हैं, ये रहा, और समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर ये 4, ठीक ना। अब देखिए कौन सा तल होगा, जांच करने के लिए देख लेते हैं, जांच में 0 0 रख लेते हैं, x का मान 0 और y का मान 0, तो रखेंगे देखिए 0 + 0 > 4, 0 > 4 जो असत्य है, जो असत्य है ना, 0 4 से बड़ा नहीं होता है, तो इस तरफ का मिलेगा हमें, ये वाला मिलेगा, अब इसके बाद दूसरी असमिका लिखते हैं दूसरी असमिका से
लिखेंगे 2x माइनस वाई लेस देन जीरो, है ना, बराबर करके देखेंगे तब ना, बराबर जीरो। इसमें भी x का मान देखिए जीरो रखेंगे, रखने पर तो क्या आएगा माइनस वाई बराबर जीरो, मतलब y बराबर ये जीरो ही प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। और x का मान यहाँ पर एक रख लेते हैं तो देखिए 2 × 1 माइनस वाई बराबर जीरो, ये हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये y का मान ये 2 आ गया, है ना। कोई भी दो बिंदु लेना था हमें तो इस पर देखिए क्या बना ग्राफ, ये बॉक्स खींच लेते हैं यहाँ पर, 0 पर 0 ही है, और यहाँ x का मान 1 रखने पर y का मान 2 आया है, ठीक ना। खींच लेते हैं इसको भी 0 0 पर, मतलब ये मूल बिंदु से गुजर रही है रेखा 0 0 पर, ठीक ना। और x का मान 1 है और y का मान 2 है, 1 और ये 2 है, तो ये हो गया 1 और ये 2, ठीक ना। तो इस बिंदु से और इस बिंदु से लेते हुए खींचेंगे, ठीक। अब देखिए चूँकि ये इस प्रकार की असमिका है, ठीक ना, तो ये तो इसलिए इसमें हमको ये रेखा शामिल नहीं होगा, हमको इस रेखा को कटी कटी लाइन से खींचना होगा, ठीक ना। तो ये देखिए इस प्रकार का खींचेंगे हम लोग ऐसे, ठीक ना। तो क्या मिला 2x माइनस वाई बराबर जीरो, ठीक। अब हमको ये वाला तल होगा कि ये वाला तल होगा, उसको जांच करने के लिए हम यहाँ पर 0 0 रख लेते हैं इसी में, तो देखिए जांच कर लेते हैं 0 0 रखेंगे, ठीक ना। तो 0 0 रखने के लिए देखिए 2 × 0 माइनस जीरो बराबर जीरो। देखिए क्या होता है, इसे समझ में आ गया, देखिए क्या होता है कि कोई भी असमिका की जो रेखा अगर हम खींच रहे हैं, अगर वो मूल बिंदु से गुजर रही है, तो इस प्रकार जांच करते समय हम ये 0 0 नहीं रखेंगे, ठीक ना, इससे हमको जांच नहीं हो सकती। तो हम कोई इसके अलावा कोई और बिंदु रख लेते हैं, है ना, इस तल पर या इस तल पर कोई भी बिंदु जो आया हो उसको रख लेते हैं। तो देखिए अगर हम ये बिंदु रखें -1 और 1, ये रख के देखते हैं, देखिए ये -1 और 1 रख के देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए 2 × -1 और y का मान 1 है, ठीक ना, माइनस x का मान -1 और y का मान 1 रख दिए, इसी में रखना था हमको, तो ये जगह -2 -1 ऐसे, तो ये हो गया -3 ऐसे, ठीक ना। बोला है -3 छोटा है 0 से, तो जो सत्य है ना, 0 से कोई भी ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी ही होती है, तो लिखेंगे जो सत्य है, तो सत्य है इसका मतलब हमको उस तरफ का तल मिलेगा जिस तरफ हमने ये बिंदु लिया है, मतलब इस प्रकार। तो ये देखिए ये हमने इस प्रकार खींच दिया ऐसे, तो यही हमारा उभयनिष्ठ बिंदु, यही हमको बिंदु, यही क्षेत्र हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। बाकी ये सब खींच देते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा उभयनिष्ठ तल हुआ, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 4 हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं।